नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। बेसिक कैलकुलेशन की इस सीरीज का आज पार्ट थर्ड है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, दोनों पार्ट चेक कर लें, ठीक है। पार्ट थर्ड में वही स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 100 के आसपास मतलब यहाँ 75 से 125 तक की रेंज होगी। 100 से अबव कितने होंगे, 125 तक जाएंगे, और 100 से कम कहाँ तक जाएंगे, 75 तक रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, उन्हें देखिए। देखो मैंने किया है 106 का स्क्वायर, मुझे 106 का स्क्वायर चाहिए। आप ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, जितना ज़्यादा है अभी फिलहाल की स्थिति में आप लिख लो, फिलहाल लिख लो, ताकि जब आप सीख जाओ उसके बाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया कितना आया, 36, ठीक है। आप इनको अब क्रॉस में ऐड कर लो, और ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है वो ये साइन बताएगा, ठीक है। तो 106 और 6 कितना होता है, 112, यही आपका आंसर है। एक और एग्जांपल देख लो, 109 का अगर आप देखते हो तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, कितना आया, 9 का 9 में किया 81, आप क्रॉस में ऐड कर लो, 109 और 9 कितना हो गया, 118, ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर आप क्रॉस में क्यों ऐड करा रहे हो, सामने ऐड करने से भी तो बात बन सकती है। देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बात बन सकती है स्क्वायर में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नहीं बनेगी वो बात। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक ही पैटर्न को फॉलो करें, कैसे भी करें एक पैटर्न फॉलो रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने ले लिया 112 का स्क्वायर, तो ये कितना ज़्यादा है भाई, 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 में, अब आपको पता है कि यहां मैं जब भी कर रहा था 6 का 6 में किया था, 36 आया था 2 डिजिट में, 9 का 9 में किया था, 81 आया था 2 डिजिट में, तो मैं हमेशा 2 डिजिट में ही लूंगा, जो थर्ड डिजिट होगी वो मेरी कैरी चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो 1 था ये कैरी चला गया, और ये कैरी मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। आप क्रॉस में ऐड कर लीजिए जैसे आप कर रहे थे, 112 और 12 कितना हो गया, 124, एक कैरी का भी ऐड करना है, टोटल कितना हो गया, 125। बात क्लियर हुई, इसके बाद आ जाते हैं थोड़े बड़े एग्जांपल देखते हैं, 125 तक आप जा सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। 118 का देख लेते हैं, अब आप चाहो तो वहां लिखो या मत लिखो, आपको पता है कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो 324 में आपको 24 ही लिखना है, 3 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब आप 118 में 18 जोड़ोगे तो 136 हो गया, 3 कैरी का जोड़ दिया, कितना हो गया, 139, यही आपका आंसर है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से देख लीजिए, 118 है वही 18 प्लस 18 प्लस, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में 24 मैंने यहाँ लिख दिया है, 3 कैरी चला गया, ठीक है। 118 में आपने 18 ऐड किया, 136 और 3 कैरी का ऐड किया तो 139, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझा। चलो 122 का देख लो, आपको पता है 22 ज्यादा है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 22 का स्क्वायर होता है, 4 क्या चला जाएगा मेरा, कैरी, तो मैंने 4 लिख दिया अलग से। अब 484 में ये तो डबल डिजिट में आ गया, अब आप इन्हें ऐड कर लो, 122 और 22 कितना होता है, 144, और 4 कैरी का कितना हो गया, 148, तो 148 मैंने ये लिख दिया, यही मेरा आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आप 125 तक तो यहाँ चले जाएंगे। आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन की बात पे, मल्टीप्लीकेशन में सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ठीक है। 109 का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है 106 में, ठीक है। तो अब देखो वो जो कंसेप्ट था ना अलग लिखने वाला, यहाँ समझ में आ जाएगा, जो मैं बार बार बोल रहा था ना आपसे कि आप क्रॉस में ऐड करेंगे, यहाँ आंसर गलत हो जाता अगर आप सेम ऐड करते, क्रॉस में ऐड ना करते। तो देखो ये 100 से 9 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है,
9 का 6 में मल्टीप्लाई किया कितना आया 54, टू डिजिट में है लिख दिया। अब आप क्रॉस में ऐड कर लो, 106 और 9 कितना हो गया 115, बात क्लियर हुई। इसके बाद में आप आ जाइए 112 का मल्टीप्लाई 109 में कर लीजिए, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 12, ये कितना ज़्यादा है 9, 12 नाम 108 होते हैं, ठीक है, 108, तीन डिजिट में पहुंच गया, चाहिए कितना टू डिजिट। तो इसके लिए मैं लिख के बता देता हूँ, ये हटा दिया, वन क्या चला गया कैरी, बात क्लियर हुई। अब आपको देखो ऐड करते टाइम आपका एक एक सेकंड, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 109 में एक ऐड करो पहले, आप ये चीज देखो कि क्या चीज आसान पड़ रही है। 109 में पहले कैरी को ऐड किया तो 110 हो गया, 12 ऐड किया 122 हो गया, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, आप इसको इसमें कर लो 10 112 और 10 122, करना क्रॉस में ही ऐड है, कैरी को ऐड भी करना है, ठीक है, बात समझ में आई। या फिर आप सीधे सीधे 112 और 9 सॉरी 109 और 12 121 और एक कैरी का 122, आपका आंसर आ गया, बात क्लियर हुई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 104 का मल्टीप्लाई अगर आपको 102 में करना है, ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, लेकिन आप देख रहे थे कि हमें दो डिजिट में ही चाहिए, ये सिंगल डिजिट में आ गया, तो मैंने क्या किया 0 और बढ़ा दिया, ठीक है। अब 104 का 2 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 106, बात भाई समझ में आई यहां तक। तो ये था 100 से अबव की बात, अब हम आ जाते हैं 100 से बिलो की बात पे, ठीक है। तो अभी मैंने 100 से अबव की आपके साथ बात करी थी, अब मैं 100 से बिलो की बात करता हूं, ठीक है, सेम जैसे पहले किया था वैसे ही अब होगा। अगर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मैं देखता हूं कि 96 का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है, तो देखो 96 में क्या करना है, ये 100 से 4 कम है तो यहां माइनस लगा दिया, ध्यान रखो पिछली बार मैंने प्लस लगाया था क्योंकि ज्यादा था 100 से, इस बार मैंने माइनस लगाया क्योंकि कम है, और ये भी 4 कम है, मल्टीप्लाई करो इनमें, कितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर से वही डबल डिजिट में लिखना है मुझे, 16 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये इस ऑपरेशन, ये जो माइनस वाला ऑपरेशन है ना, इस माइनस वाले ऑपरेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 92 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर मैं देखता हूं 92 का स्क्वायर, तो भाई 92 में क्या होगा, ये 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया 64, और 92 में से 8 घटा दो 84, ठीक है जी, बात यहां तक क्लियर हुई। इस आते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ, 89 का ले लेते हैं, 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये 11 कम है, ये भी 11 कम है, ठीक है, 11 का 11 में स्क्वायर किया तो कितना आया 121, तीन डिजिट में पहुंच गया, मुझे कितने में चाहिए 2 में, तो 121 को 21 लिखा, 1 यहां लिख दिया, तो 121 1 क्या चला गया मेरा कैरी, ठीक है। अब देखो 89 में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है 78, और ये ऐड होगा, कैरी ऐड होगा तो 79, ये आपका आंसर आ गया। हो सकता है कि आप लोग कह रहे हो कि सर 84 का ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 84 का, ये कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, फिर से थ्री डिजिट में चला गया, 56 मैंने यहां लिख दिया, 2 जो मेरा कैरी था वो मैंने यहां लिख लिया। अब 84 में से
मुझे 16 सब्ट्रैक्ट करना है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 84 में 2 ऐड कर दूँ, पहले ये हो गया 86, अब 86 में से 16 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 70। बात क्लियर हुई भाई यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद और अभी मल्टीप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन में वही 89 का 92 का मल्टीप्लाई 96 में करूं, देखो यहां दोनों नंबर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई होगा, दोनों 100 से कम है, बिल्कुल सही बात है, पहले वाला 8 कम है, दूसरे वाला 4 कम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आया 32। ठीक है, अब देखिए आपको जो बेहतर लगे, या तो इसमें से इसे सेपरेट करना बेहतर लगे या इसमें से इसे सेपरेट करना बेहतर लगे उसको पकड़ो, तो आप 92 में से 4 घटा लीजिए 88 आपका आंसर आ जाएगा 88 32। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 95 का 96 में करना है, ये 5 ज्यादा है ये 5 कम है, ये 5 कम है और ये 4 कम है, मल्टीप्लाई किया कितना आया 20। अब आपको जो बेहतर लगे, 96 में से 5 घटाओगे तो 91 ही आएगा आंसर, 95 में से 4 घटाओगे तब भी यही आएगा। बात क्लियर हुई? इसके बाद में और एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, अगर आप 92 का मल्टीप्लाई 98 में करते हो तो देखो ये तो 8 कम है ये 2 कम है, दोनों का मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, लिख दिया, अब 92 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आया 90। मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि ये साइन डिपेंड करता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, यहां माइनस है, माइनस किस वजह से लिया है, क्योंकि ये 100 से कम है, प्लस कब ले रहे थे जब 100 से ज्यादा था, ये आंसर आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई? चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, थोड़े से बड़े एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एट्टी नाइन का मल्टीप्लाई मुझे 92 में करना है, देखो ये 11 कम है ये 8 कम है, 11 अट्ठे 88 मल्टीप्लाई किया लिख दिया, अब आपको देखना है कि कौन सा बेहतर आपके लिए पड़ेगा। ठीक है, 89 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 81, यही आपका आंसर है। अच्छा आप कह रहे होगे कि सर 89 का मल्टीप्लाई 87 में करो, बड़ा करो इसे, ये 11 कम है ये 13 कम है, अब ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप इसका मल्टीप्लाई कितना आसानी से कर पाते हो। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो 11 का स्क्वायर प्लस के 22 करो, ये वाला भी फॉर्मेट है, मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है ना, 11 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे तो 11 प्लस 2 करोगे, जिसका क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस के 11 इंटू 2, ये मेंटली सोचना है, और भी आसान हो सकता है, पता है, आप 13 का मल्टीप्लाई 11 में करो तो 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 प्लस 1 में इससे स्प्लिट कर लो, आपकी कैलकुलेशन जैसे फास्ट हो जाए, जैसे आपका माइंड क्लिक कर जाए उस पर काम करो। देखो ये कितना हो गया 130 प्लस के 13 इसमें ऐड कर दिया 143, तो भाई 143 में 43 ही मुझे लेना है, 1 मेरा क्या चला जाएगा कैरी। ठीक है, अब 89 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है भाई सिंपल सी बात है, 90 ले लो ना इसे, इसको ऐड कर दो, ये 90 हो गया, 90 में से 13 गया तो ये बचा 77, ये आपका आंसर होगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक?
चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है।